Hey people, welcome back to my channel. आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत हेल्दी है, बहुत डिलिशियस है, उसका फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है. अगर आप डाइट कॉन्शियस हो तो आपके लिए ये रेसिपी है एकदम परफेक्ट. चले फिर रेसिपी देखने. तो हमने लिए हैं दो एग्स, 1.5 चॉप्ड ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून चॉप्ड कैबेज, 2 टेबलस्पून चॉप्ड कैप्सिकम, थोड़ा सा धनिया और 2 टेबलस्पून ओट्स. और आप देख सकते हैं मैंने इनको फाइनली चॉप किया है, एकदम बारीक से बारीक चॉप किया है. तो अब हम लेंगे एक बोल और उस बोल में हम ऐड करेंगे एग्स. एग्स ऐड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक पूरा एग डालना है और जो दूसरा है उसका सिर्फ एग वाइट यूज़ करना है. मैं सेकेंड वाले एग का एग योग नहीं यूज़ करने वाली हूँ. एग योग हमारी बॉडी के लिए बहुत गर्म होता है. इट्स ऑलरेडी समर्स और हमको बॉडी हीट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं समर्स में एग योग को थोड़ा अवॉइड करती हूँ. यहाँ पे मैंने एग योग को निकाल दिया है. अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, कटा हुआ कैबेज, कैप्सिकम, ओट्स और हम ऊपर से थोड़ा धनिया को स्प्रिंकल कर देंगे. मैंने यहाँ पे डाला है 2 चुटकी सॉल्ट. आप आपके स्वाद के अनुसार उसको बढ़ा और घटा सकते हो. 1/4 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ डालना. आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो. अब है फाइनल स्टेज जिसमें हम करेंगे इन सबको बीट और हमको इनको अच्छे से बीट करना है. मैं फोक से बीट करना प्रेफर करती हूँ, आप चाहो तो स्पून भी यूज़ कर सकते हो. कैप्सिकम हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है, इसका डाइटरी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिंस का. कैबेज को हम एक फैट कटर भी बोल सकते हैं. इसमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ये वेट लॉस को भी प्रमोट करता है और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको भी मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. यहाँ पे मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन और इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी. अब मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल, कम से कम मतलब 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया होगा. ऑलिव ऑयल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कंपेयर टू अदर ऑयल्स, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो. हमने जो एग्स को बीट करके रखा था अब हम कर देंगे इसको पैन पे टॉस. हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए. गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है और इसको ढक के रखने की वजह से ये बहुत अच्छे से पक जाता है. अब हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे. अभी आप देख सकते हो ये कैसे फ्लफी हो गया है. इसका मतलब है कि स्टीम इसके अंदर तक जाके ये पूरा पक चुका है. दिस इज अ गुड साइन कि हमारा एग अच्छे से पका है. अब मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको 1 मिनट के लिए ढक के रखूंगी. अब हम इसको करेंगे सर्व विद अ बंच ऑफ चॉप्ड कैबेज. तो ये हमारा एक हेल्दी हाई फाइबर मील बन के रेडी है. एंड अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ वाटरमेलन. और डाइट से रिलेटेड रेसिपीज चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए. वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है आपको क्या करना है. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ गुड डे.